हेलो स्टूडेंट्स, बेटा फ्यूचर ट्रैक ऑनलाइन क्लासेस में इससे पहले वीडियो में हमने 11th क्लास केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे। चार लॉ बताए गए थे बेटा। आज हम देखेंगे इनके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन होता है। फर्स्ट लॉ हमने लिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। इट मींस मैटर नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लिखिए, कैसे आते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बेटा कि इन अ रिएक्शन 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट मींस NaHCO3 आर एडेड टू 15 ग्राम CH3COH एसिटिक एसिड, द रेसिड्यू यानी जो बचा हुआ पदार्थ है वो, द रेसिड्यू इज फाउंड वेट 18.0 ग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 रिलीज। तो सबसे पहले देखिए रेसिड्यू क्या है, क्या फंडा होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के बाद जो कुछ भी उस बर्तन में बचता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बचता है, उसको हम कहते हैं रेसिड्यू। और जो बाहर निकल गया वो रबल्स या गैस। इस रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम एसिटेट प्लस H2O। ये दोनों चीजें टेस्ट ट्यूब में ही रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, तो इनको हमने लिख दिया रेसिड्यू। इन दोनों को मिला के और साथ में CO2, ये कह रहा है कितनी CO2 निकल रही है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें पता लगा मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट हमने टोटल दिया NaHCO3 का मास प्लस CH3COOH का मास, ये गिवन है आपको, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब मास ऑफ प्रोडक्ट में इन दोनों का तो आपको मास दिया गया 1 ग्राम, इसको हमने मान लिया नेट x ग्राम CO2 बन रही है। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, x इज इक्वल टू 21.3 माइनस 18 और या 3.3 ग्राम। इसका मतलब जो इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उसका मास कितना आएगा, 3.3 ग्राम। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको इस फर्स्ट लॉ पे मिलेंगे। सेकंड लॉ बेटा डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। ये हमने बताया था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड किसी भी मेथड से बनाया जाए लेकिन उसमें टाइप्स ऑफ एटम और उनका परसेंटेज बाई मास सेम ही रहेगा। यानी कोई केमिकल कंपाउंड किसी भी मेथड से बनाया जाए, कहीं से भी कलेक्ट किया जाए, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूल होगा वो सेम एलिमेंट से मिलकर बनेगा, सेम एटम से मिलकर बनेगा और उन एटम्स का परसेंटेज बाई मास भी सेम होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखो इन्होंने दिया कि 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड विद 1.002 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड परऑक्साइड। पहले एक्सपेरिमेंट में 6.488 ग्राम ऑफ लेड इज कंबाइनिंग टू 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव लेड परऑक्साइड। इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट द लेड परऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट एंड इट वॉज फाउंड that the percentage of oxygen in lead peroxide is 13.38%। जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें लेड नाइट्रेट को हीट करके लेड पेरोक्साइड बनाया गया और उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी मिली, 13.38। अब कह रहा है कि इस डाटा को यूज करके आप बताइए कि क्या ये जो डाटा है ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को दिखाता है। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिए मैंने हिंट में बताया था उस समय कि आपको किसी एक चीज की परसेंटेज निकालनी है। और बाय द वे याद रखिए आपका काम आसान हो गया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसने ऑक्सीजन की परसेंटेज दे रखी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे। अगर ये परसेंटेज और फर्स्ट की परसेंटेज सेम आ गई तो इसका मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज हर जगह किसी भी तरीके से आप लेड परऑक्साइड बनाइए उसमें सेम ही रहेगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे। पहले एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आपको दिया गया मास ऑफ लेड और मास ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, मास ऑफ लेड परऑक्साइड। तो जो फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है कि रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। इन दोनों के मास को हमने जोड़ दिया
जोड़ लिया, तब क्या बन गया, मास ऑफ लेड परऑक्साइड, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन कितनी यूज हुई थी, 1.002%। हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। डिजायरेबल क्या है, ऑक्सीजन, टोटल अमाउंट कितनी है, इन दोनों का सम 7.490। इसको हमने इसे डिवाइड किया इनटू 100, परसेंटेज अपनी कैलकुलेट करके देख लेना बेटा, आ जाएगी 13.37। ये होगी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की परसेंटेज। और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपको कैलकुलेट नहीं करना, गिवन है कितनी परसेंटेज, वही 13.38। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में जो लेड परऑक्साइड बना उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या आ गई, सेम आ गई, ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम आ गई। इसका मतलब कि जो डाटा है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इसमें कुछ करना ही नहीं, मजाक है, सिर्फ परसेंटेज निकालना है बस, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी जो तो एक न्यूमेरिकल एक दो लॉ बचे हुए हैं उसके न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।